गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द प्रीडेटर के व्लॉग्स। आपने जो स्टार्टिंग में सिनेमैटिक्स देखा, हम लोग आए हुए हैं, होटल से हमने लीव कर दिया था तो अभी हम लोग आए हुए हैं लखना नाम के गांव में और यहां पे एक देवी माँ का मंदिर है तो हम लोग वहीं पे लिटरली वहां से आगरा से करीब 113 किलोमीटर दूर उनका उनके मंदिर में विजिट करने के लिए आए हैं। सिंपली भाषा में कहें तो वो हमारी कुल देवी हैं तो जस्ट उनके दर्शन के लिए। तो अभी हमारे साथ मम्मी है, हनी दादा है, पापा है और आरपी भैया है। गाड़ी पीछे पार्क कर दिया है, अभी इस रास्ते पे जा रहे हैं जो रास्ता जाता है लखना माता के मंदिर में। अभी थोड़ी सी शरण ले ली है अपने चप्पलों के लिए, यहाँ पे चप्पल और जूते यहाँ उतार के फिर हम लोग बेयर फुट जाएंगे आगे। बाहर से अंदर थोड़ा चलने के बाद यहाँ पे मंदिर आ जाता है हमारी लखना माता का। माता रानी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे पास में एक कुंड है वो दिखा देता हूँ जो कि ये रहा। चलो अब वापस चलते हैं। नहीं है पानी लेना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा। हाँ ले लो, एक ले लो। क्या हुआ? ये सर है ना, चालान काट रहे थे गाड़ियों का। अब ये बाइक वाला ना, ये बाइक वाला गया। हम लोग अभी सिकंदरा राव पे हैं और इतना भयंकर जाम लगा है भाई, ट्रैफिक। 2.5 घंटे हो गए, हम लोग लेट हो गए। देखो ये पुलिस वाले चालान काट रहे हैं। बहुत ज्यादा तगड़ा जाम है भाई, बहुत ज्यादा लंबा। सिकंदरा राव के करीब 2 घंटे ट्रैफिक जाम के बाद उधर से निकलने के बाद एक्चुअली ऐसा था कि मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो फिर और मेरे को भी पता क्या कि नींद आ रही थी तो और रात का टाइम था, मतलब रात ही होने वाली थी और फिर सोचा कि आगे तक जाएंगे ना तो बीच में नींद आ गई तो शायद कुछ गलत ना हो जाए तो उसकी वजह से हम लोग अभी कासगंज स्टे कर गए थे, ठीक है, नानी घर पे रात के लिए। तो अभी अभी सुबह हो रही है और मैंने बोला था मम्मी से कि मम्मी बिना नहाए धोए जैसे भी हो जल्दी से सुबह सुबह निकल जाएंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग मनु भाई, थोड़े दिन पहले आप हमारे घर पे थे। मनु भाई, थोड़े दिन पहले आप हमारे घर पे थे और आज हम आपके घर पे हैं। गुड मॉर्निंग नानी भाई। सुबह के बज रहे हैं 6:09 और सुबह सुबह ये नाश्ता आ गया है। अब ये बताओ सुबह सुबह कचौड़ी कौन खाता है इतनी? बाय मोनू। अरे ड्राइवर साहब। तो मेरी धन्नो ने है ना अब बहुत लंबा रूट कर दिया, करीब 1000 किलोमीटर ये 3 से 4 दिन के अंदर घूम चुकी है और अभी हम लोग आ गए हैं ईस्टर्न पेरिफेरल पे। हनी को छोड़ना है, आगे गाजियाबाद वाला टर्न आएगा तब, क्योंकि हनी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और हमारा टाइम भी बहुत हो गया। ईस्टर्न पेरिफेरल पे हनी ड्राइव कर रहा है, हनी अपना गाजियाबाद, देखो गाजियाबाद उतर जाएगा ना, फिर उसके बाद फिर मैं लेके जाऊंगा मुजफ्फरनगर। तो अभी हम लोग हनी के पीजी आ गए थे और गाड़ी यहाँ पकड़ दी। पापा मम्मी अंदर बैठे हुए हैं, जो यहाँ के ओनर है ना उनसे चिट चैट्स, लेकिन इनको पता नहीं है कि ड्राइवर कितना थक गया है, इनको कोई फर्क ही नहीं है। आराम से यार, पेरेंट्स का ही होता है, पीछे आराम से बैठ के जाते हैं मस्त एकदम। और बैंड बजती है हम बच्चों की। मैं जब वहां से उतरा ना ईस्टर्न पेरिफेरल से हनी से चेंज करा तो जब मैं उठा तो मेरा जितना लोअर पोर्शन था भाई ऐसे ऐसे एकदम स्टेबल हो गया कि लाइक गया। मे बी शायद ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था उसकी वजह से। यार ये पेड़ कितना मस्त लग रहा है। मुजफ्फरनगर में हो रही है मूसलाधार बारिश, पीड़ित यहाँ बैठे हुए हैं, भयंकर तरीके से पानी पड़ रहा है। अब पीछे मम्मी मौसम के मजे लेती हुई। डिस्ट्रिक्ट जेल में हुई बाढ़ भाई, पानी एकदम भरा पड़ा हुआ।